तो बीजी बाजू तिहाड़ जेल में बाहर आया बाद आज अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करी थी। सीएम केजरीवाल ने हनुमान जी आग माथू टेकव्यू जे बाद नजीक में आवेला शनि महाराज मंदिर और नवग्रह मंदिर में पहुंचा था। जे बाद आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचा, पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं केजरीवाल स्वागत करू। केजरीवाल अही भाजप पर प्रहार कर कहूं कि अमरा टोचना चार नेताओं ने जेल में नाखा है, छता पार्टी चालती रही। एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए, उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। तो केजरीवाल कहूं कि भाजपा भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी होवाना बणगा फूके छे, परंतु भ्रष्टाचारियों ने ज पोताना पक्ष में लई रही छे। भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ी रही छे। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है।